हेलो स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना पिछला टॉपिक जाने मेरे बारे में किया होगा। आप लोगों ने उसमें सुंदर चित्र बनाए होंगे। आज हम लोग अपना पाठ प्यासा कौवा पढ़ेंगे। आपने ये कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुनाती हूँ। बच्चों, एक चित्र कथा है, चलो पढ़ते हैं। पहले चित्र में एक कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। उसने बहुत पानी को ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक जग दिखाई दिया। जग में पानी बहुत कम था, कौवे की चोंच वहां तक नहीं पहुंच पाई। जग तो थोड़ा गहरा होता ही है, इस आकार में कौवा पानी नहीं पी सकता। अब कौवा पानी को पीने के उपाय सोचने लगा। उसने सोचा और पास में पड़े कंकर उठाकर जग में डालने लगा। अब बच्चों, आप सोचते होंगे कि उसने उसमें कंकर क्यों डाले। तो बच्चों, उसने उसमें कंकर पानी को ऊपर लाने के लिए डाले। वह उस जग में जितने कंकर डालता है, पानी उतना ही ऊपर आता है। वह उसमें कंकर डालता गया, जब तक कि पानी उसकी पहुंच तक नहीं आया। उस प्यासे कौवे ने ऊपर आए पानी को पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। अच्छा बच्चों, सोचो कि इस कहानी का दूसरा नाम क्या हो सकता है। बहुत सारे नाम आए होंगे आपके मन में। मेरे मन में भी एक नाम आया है, मैं आपको बताती हूँ। कौवे की समझदारी, यह कहानी का शीर्षक, दूसरा शीर्षक हो सकता है। कहानी तो पूरी हो गई, अब मैं अगले पेज में जाती हूँ। दिए गए चित्र में रंग भरना है। बच्चों, जो ये पिक्चर है, उसमें आपको सुंदर सा कलर भरना है और इसमें कौवा क्या कर रहा है ये आपको देखना है। बच्चों, इसमें आपको एक कौवे का चित्र दिया गया है, जो कि पानी पीने की नली से पानी पी रहा है, जिसे आप इंग्लिश में स्ट्रो कहते हो ना, ये वही है। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। कौवा पानी पीने की नली को काम में ले रहा है, जिसे आप लोग फ्रूटी या कोई और जूस पीते हैं और काम में लेते हैं। अब बच्चों, आपको कौवे का चित्र बनाना है, उसमें प्यारा सा रंग भरना है और इस चित्र को और भी सुंदर कर देना है। थैंक यू। अब अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे।